संगीत सभी के लिए एक और यस लेकर तो यस मैन वी आर बैक इन दिस ब्रांड न्यू वीडियो। तो फाइनली भुवन बाम की तरफ से दिस अगेन अ न्यू वीडियो बीन ड्रॉप कर जो कि अराउंड कल ही आ चुका था, बट हम लोग एक दिन बाद चेकआउट करते हैं। तो मैंने फाइनली चेकिंग ऑफ द ट्रैक जिसका नाम है बीबीकी वाइंस ऑटोमेटिक गाड़ी। ओके, ऑटोमेटिक गाड़ी नेम ऑफ द वीडियो एंड आई थिंक सो इट्स अ वेरी लाइक वो प्रॉपर ओजी वाला वीडियो होने वाला, लाइक वो ढिंडोरा के पहले जो ऐसा होता था ना, दैट वो प्रॉपर वो शूट वाला, घर पे शूट वाला था। आई थिंक सो ये वैसा ही कुछ वीडियोस होने वाला है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि या थंबनेल एंड ऑल पे भी वैसा ही कुछ है। तो या मैन, दैट इज बीबीकी वाइंस ऑटोमेटिक गाड़ी। तो लेट्स सी, फाइनली बहुत दिनों बाद ऐसे वीडियोस हमें देखने को मिलने वाले हैं। इट्स ऑलरेडी #1 इन ट्रेंडिंग, तो दैट ऑलरेडी सेज मी अ लॉट। तो आई गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन कि मुझे ये वीडियो कैसा लगा। चैप नए हो और अभी बीबी के फैंस हो तो जस्ट मेक श्योर करने का सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे जब मिशा लाता था और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक तो जरूर से कर देना, बाकी चैप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो या हम लोग एक लाइक भी कर लेते पहले से ही, एंड या लेट्स हॉप स्ट्रेट इनटू द वीडियो एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, लेट्स गो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका ढिंडोरा से कोई लेना देना नहीं है। ढिंडोरा एक अलग सीरीज थी और ये अलग एपिसोड है, दोनों को मिक्स ना करें। और ये ना बोले कि अरे ढिंडोरा में तो ये हुआ था, ढिंडोरा में वो हुआ था, अरे वो किधर है, अरे मार्क वो था, तेजा इधर है। मार्क वो था, तेजा इधर है, तेजा मैं। लेट्स गो। ओके, ये सब क्या है बेटा? मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि ऊपर इसके घर आने की जरूरत नहीं है, ये नीचे आ जाता। I only... okay, आपने नोटिस किया रूम में भी चेंजेस है, ये वो रूम नहीं है, दे हैव चेंज अप द रूम। ओके, फोटोस एडिट देखो डूड। ये सब क्या है बेटा? मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि ऊपर इसके घर आने की जरूरत नहीं है, ये नीचे आ जाता। आई ओनली गो डाउन व्हेन द वुमन इज क्लीन। नमस्ते अंकल। ओके, नमस्ते। हाय लेंगे? सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं, शुभ काम के लिए निकले हैं बेटा, हाय क्यों लेंगे? चाय पूछ रहा है। अरे हाँ, इसकी तो जुबान में ही छेद है। हाय लेंगे, ले लूंगा। तो बना लो। ओके, गॉट इट। अंदर रफोई में हल्दी रख। हाय पत्ती और हीनी नहीं पीनी, छोड़ छोड़। ओ, इतनी फुवा फुवा मेरी नींद खराब कर दी, बहुत जरूरी काम होगा अंकल। नहीं भाई, पापा बहुत टाइम से पैसे जमा कर रहे हैं। कौन से सिग्नल पे? सिग्नल? अबे सेविंग्स कर रहे हैं अपने बैंक में। ओ अंकल, कभी विंजो ट्राई नहीं किया? विंजो? हाँ, इस पे आप अपने मनपसंद गेम खेल सकते हो, जैसे कैरम, क्रिकेट, लूडो और करोड़ों इनाम भी जीत सकते हो। अच्छा, विंजो पे 100 से ज्यादा गेम्स हैं और 7 करोड़ यूजर भी हैं। 7 करोड़ यूजर? तेरी सारी गेमिंग की जरूरत यहीं पूरी होगी। अभी मेरे लिंक से डाउनलोड कर, 50 रुपीज भी मिलेंगे। अच्छा अच्छा, कर लियो। तो अंकल आप पैसे क्यों जमा कर रहे हो? एक आदमी सारी जिंदगी पैसे क्यों जमा करता है? ताकि अपनी बेटी की शादी में दहेज दे पाए। ना ना ना, लड़के का बाप। शादी करा? तू शादी कर रहा है? पागल वागल तो नहीं हो गया? अभी खेलने की उम्र है। उसको छोड़ बेटा, तू अब शादी कर ले। नहीं नहीं अंकल, वो तो दही गिरा हुआ है पैंट पे। आप काम की बात करो ना। हाँ 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 भाई, क्या कर रहे हैं तू? अब मैं पिछले हफ्ते अपनी हस्तरेखा। उसको छोड़ बेटा, तू अब शादी कर ले। नहीं नहीं अंकल, वो तो दही गिरा हुआ है पैंट पे। क्या? आप काम की बात करो ना। हाँ 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 भाई, क्या कर रहे हैं यार तू? अब मैं पिछले हफ्ते That is Ashreet Grover's voice. भाई तू क्या कर रहा है तुम्हारे? हस्तरेखा दिखाने गया था। उसने मेरा हाथ देखकर कहा कि घर में कोई बड़ी और लंबी चीज आने वाली है। अरे तूने मंगवा ले डिल्डो। डिल्डो? डिल्डो सुना है क्या होता है? फैया, कभी मिल तो सही, तू ना आया तो। डिल्डो सही? अरे वाह। Oh, okay. पर होता क्या है? हम टेंशन लेते हैं। हाँ, ये भी लेना होता है। अरे वाह, है क्या? अब आगे का बताओ ना, क्या बोला वो? हाँ, तू कहीं का कहीं पहुंचा देता है। ये भी? अच्छा, होता क्या है? अरे आप आगे का बोलो ना। सुन सुन सुन, तो उसने बोला कि उस बड़ी और लंबी चीज के आ जाने के बाद हम ज्यादातर घर के बाहर ही रहेंगे। इसका मतलब घर में पहली बार गाड़ी आने वाली है, हमारी अपनी गाड़ी। ओके, पानी लेंगे अंकल? तो ले आओ, तू पिएगा। पापा, आपने कभी सोचा था हम गाड़ी लेंगे? बेटा, हमारी जिंदगी के रास्ते इतने कच्चे हैं कि उस पे गाड़ी गियर से नहीं, हालातों के हिसाब से चलती है। आज तक की सारी मेहनत घर में घी, चावल, रोटी, पानी, अन्न लाने में चली गई, अब गाड़ी आती दिख रही है। टियर बाय फैब, वेरी डीप महेश्वरी। क्या बोल रहे हो? कुछ Tear biceps, that's a shorter to beer biceps and very deep my shirt. कुछ नहीं, सोचा कौन सी कार लेंगे? तू बता। Bentley. बैठ लेते हैं बेटा, कुर्सी ले। Bentley ब्रांड है गाड़ी। अच्छा, किया? हाँ, अभी 1 घंटे पहले 2 बार। आंटी को कौन सी पसंद है? उनको तो कुछ भी चलेगा। हाँ दिख रहा है। जब से गाड़ी लेने का प्लान बना है, मम्मी एकदम बगीचे जैसी लगती है, खिलखिलाती हुई, हरी भरी।
हाँ माली भी तो दो तीन बार पानी डालते ही होंगे। अब कभी मम्मी के साथ फिल्म देखने का प्लान हुआ तो अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं ना। फिल्में देखने का शौक अब कहाँ है बेटा। हाँ वैसे भी आजकल की फिल्मों में स्टोरी लाइन से ज्यादा जॉ लाइन की इज्जत है। पर वैसे कितना सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, ऑफिस आना जाना, दोस्तों के घर जाना। चलानी सीखनी पड़ेगी पहले। आसान है। अरे सीखनी पड़ेगी। एक बार चलाई तो है आपने पहले? वो तो ऐसे ही। सब पता है आपको। अच्छा ये बताओ क्लच और एक्सेलेटर के बीच में क्या होगा? मेरी टांग। सीखनी पड़ेगी। अच्छा ये तो बताओ ऑटोमेटिकली है मैनुअल? गियर ना हो तो आसान रहेगा। कैसे मन की बातें जान जाते हो आप। और वैसे भी मैनुअल चलाते टाइम जानकी मेरा हाथ नहीं पकड़ पाएगी, गियर बीच में आएगा। तो पैंट पहन के ड्राइव करना। ओके कुछ मतलब होता है तेरी बातों का? कैसी बातें कर रहा है, नींद में है क्या? Dude, I was actually missing this shit. बोपड़ी के तो ऑटोमेटिक कार्स में BMW है। ऑडी महंगी है यार। कितने की पड़ेगी? 30-35। BMW 50 तक की होगी। इतना कहाँ सेव किया होगा पापा ने। अब शायद कुछ आने वाला है। क्या बात कर रहे हो? बेटा हफ्ते में दो टाइम आइसक्रीम खाने वाला आदमी था मैं, वो सब बंद कर दिया। पिछले 1.5 साल से रोज दफ्तर जा रहा हूँ फटा हुआ जूता पहन के। तुझे पता चला? तेरी माँ का लेडी पास लेके मैं बस में सफर करता हूँ क्योंकि रिक्शा का भाड़ा डबल है। उस दिन सोसाइटी वाले घर नहीं आ गए थे कि जरूरतमंदों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। जरूरतमंदों में अपना नाम लिखवा के आया हूँ मैं। तेरे को हमेशा मैंने फालतू खर्चा करने से इसलिए रोका ताकि पाई पाई जोड़ के 2 लाख रुपए जमा कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है जब हम इस सफर में आगे चलते हैं। कितने जमा कर पाऊँ? 2 लाख। हम सुबह 7 बजे किसी और के घर पे आए हैं, उसकी नी गाड़ी लेने निकले। कितने की? ऑटोमेटिक। जिनकी शीशों को ऐसे ऐसे करके ऊपर नहीं करना पड़ता, बटन वाली। बटन शीघ्र पतन होता है आपको। क्या बोल रहे? अरे आप क्या बोल रहे हो यार? 2 लाख रुपए की गाड़ी लेनी ऑटोमेटिक या मैनुअल 4 लाख से शुरू होती है। पता नहीं कौन से गाड़ी थे, सबके सजा लिए हमने, पागल पुत्तू बना दिया हमारा। ऑडी भी नहीं। ऑडी के 4 टायर आएंगे 2 लाख में, फिर फ्लिंटस्टोन्स की तरह पहिए पहन के याबड़ाबड़ ऊ करके निकल जाना। मेरे एक अंकल हैं, वो डीलर हैं, कोई बढ़िया मॉडल दिखा देंगे, आपके 2 लाख बर्बाद भी नहीं होंगे। नाम क्या है? फमीर फुद्दी। अरे इनका नाम वरुण हत्ती। हाँ जी हत्ती जी। हाँ जी वो 2 लाख का बजट है मेरा। हाँ जी कोई मॉडल बता दीजिए बढ़िया। लंबी 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 जी। लंबी जी। रंग व्हाइट व्हाइट सफेद। हाँ इसका रंग सफेद। हाँ कहाँ की? जर्मन मॉडल ना। जर्मन मॉडल। जर्मन तो नहीं है, पहाड़न चलेगी क्या? पहाड़ की कौन सी गाड़ी होती है जी? कितना देती है? ओके अच्छा ये कुछ नया है, घंटे के हिसाब से देती है। ये तूने किसको फोन मिला? हाँ कह रहे हैं बढ़िया मॉडल है, पीछे से भी ले सकते हैं। आपको कैसे पता हमारी गली में भीड़ होती है? अबे कौन है ये? फोन रख दो, फोन जी। मुझसे ज्यादा मेरी बीवी उत्सुक है। हाँ जी जिगोलो की होलो। फोन रख दो ना, फोन ले ले, फोन ले ले। क्या हो गया? नहीं चाहिए हमें गाड़ी। बेटा उस मॉडल में 2 हॉर्न थे, पैपे और पोंपो। क्या पैपे पोंपो? नहीं लेनी हमें गाड़ी। लेकिन हाथ पड़ने वाले ने तो बोला था कि घर में कोई लंबी बड़ी चीज आएगी यार। हाँ मम्मी क्या हो गया? शांत हो जाओ। क्या है? सांप, घर में सांप घुसा है। बड़ी और लंबी हीव। उसको बोल घर में मत रहे, बाहर निकल आए, हम आ रहे हैं। हीव के आ जाने पर हम ज्यादातर घर के बाहर रहेंगे। कुछ नहीं होगा। कैरी आपको डस लिया तो? अरे तो चूस लेगी आपका सांप। अरे खून चूसने की बातें कर रहे, क्या बोल रहा है? वापस चलो आप, तू सो जा वापस। अरे मेरी नींद खराब करके मुझ पर ही बर्फ रहा है। हेलो अंकल, आज मैं उधर आता हूँ, मेरा मन तरफ रहा है। नाइस, अ वेरी गुड वीडियो एंड अ वेरी टिपिकल बीबी के वॉइस टाइप वीडियोस, क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक बहुत दिनों बाद आया ये वीडियो। और उसमें भी थोड़े दिन पहले ट्रिपल आर वाला एक इंटरव्यू आया था टीटू टॉक्स में, बट फाइनली द ओजीज एपिसोड इज हियर। कमेंट्स में बताना कि आप सभी का क्या रिएक्शन था यूट्यूब पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक गुड बाय।